40वां दिन है। कैश को लेकर बैंक और एटीएम के बाहर अभी भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। देश भर से हमारे तमाम संवाददाता की रिपोर्ट देखिए, किस कदर अभी भी नोटों की मारामारी चल रही है। पिछले दो दिन से बैंक बंद थे, जिसका असर एटीएम्स भी देखने के लिए मिल रहा था। एटीएम्स में पैसे नहीं थे, लोग दर दर एटीएम भटकने को मजबूर थे, लेकिन आज सोमवार का दिन है, एटीएम्स के अंदर पैसे आए हैं। इस वक्त हम कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पे मौजूद इंडियन बैंक के एटीएम पे है, जहां पे लोग पैसे निकालने के लिए खड़े हुए हैं, आराम से पैसे निकल रहे हैं। लाइन हालांकि ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन जो लोग हैं उनकी क्या राय है, क्योंकि अब 48वां दिन हो गया है, 50 दिन पुराने में 2 दिन रह गए। आइए जानते हैं लोगों की राय इस बारे में। 50 दिन पुराने में से 2 दिन रह गए हैं, अब आपको क्या लगता है, जो सरकार ने 50 दिन का टाइम मांगा था उस टाइम के अंदर व्यवस्था ठीक हो जाएगी? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी सर, और कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, पैसे तो मिल ही रहा है। 48 दिनों में किस तरीके की समस्या आपको देखने के लिए मिली थी? हमें तो भाई कोई समस्या नहीं दिख रही, अच्छे पैसे निकल रहे हैं, आराम से निकल रहे हैं। लग रहा है 50 दिन में वादा पूरा हो जाएगा। आपकी क्या राय है इस मामले में कि जब 48 दिन अब पूरे हो गए हैं, लोगों को पीछे समस्या हमने देखने के लिए मिली, अब 50 दिन आ रहे हैं, सरकार के वादे के अनुसार पूरी हो जाएगी व्यवस्था? ये सर हो जाएगी सर, क्योंकि पहले बहुत प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अब आज हमें लग रही है कि भी हमें पैसा मिलने लगेगा सभी एटीएमओं से। एक साक्ष पैसा निकाल कर आ रहे हैं, कितना पैसा निकल रहा है एटीएम से? सर 2500 रुपए निकल रहे हैं जी। निकल रहे आराम से? निकल रहे हैं। हाँ निकल रहे हैं जी आराम से। धीरे धीरे 50 दिन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सरकार ने टाइम मांगा था, 48 दिन पूरे हो चुके हैं, तो लोगों की राय भी यहाँ बदल रही है। लोगों का कहना है कि अब जो लाइनें भी कम हो रही हैं, उनको आराम से पैसा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अब दिख रहा है कि जो व्यवस्था है, जो नोटबंदी के बाद सरकार ने जिसका वादा किया था, वो साफ होती हुई नजर आ रही है। लोगों की परेशानियां जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। इस समय मौजूद है सिविल लाइन के पीएनबी बैंक और एटीएम के बाहर। आप देख सकते हैं कतारें तो कम हो गई हैं, लेकिन लोग अभी भी बैठे हुए हैं इंतजार में कब उनका नंबर आए और कब वो पैसे निकाल सकें। 2 दिन के बाद बैंक खुला है और पैसे लाइन लगी रहे, भीड़ है। और अच्छा, आज तो 48वां दिन हो गया है, तो कुछ राहत मिलने ही नहीं मिल रही है, क्योंकि मोदी सरकार ने कहा था कि 50 दिन दे दो हमें। थोड़ी थोड़ी ज्यादा सर, 50 से 10 आदमी हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए। अच्छा रात मिल रही है? ये मिल रही है, रात मिलेगी? नहीं मिलेगी जी रात। मशीन वगैरह कुछ काम कर रहे? नहीं कर रहे हैं। आप भी यहाँ पर हैं? मशीन एटीएम काम नहीं कर रहे हैं। काम नहीं कर रहे हैं अभी भी? नहीं, एटीएम कैश ही नहीं है। दो दिन बाद जो खुले इसलिए उम्मीद नहीं लगती, यानी कैश नहीं आ रहे हैं। हाँ कैश नहीं आ रहा है, और मैं फ्राइडे को आया था तो 5000 रुपए दिए थे, ज्यादा नहीं दिए थे। अच्छा बैंक से जो आपने कैश नहीं कहा, वो 5000 ही दे रहे थे सबको। अच्छा ज्यादा नहीं दे रहे थे? 5000 से ज्यादा नहीं दे रहे अभी भी? नहीं। तो यहाँ पर है लोगों का ये कहना है कि सहूलतें हैं, लेकिन अभी बैंक में जो है वो कैश कम आ रहा है, उसकी वजह से इन्हें अब केवल 5000 ही कैश मिल रहे हैं। अब वो 24000 कम मिलेंगे, इसका भी इन्हें इंतजार है। 48 दिन आज है, अब देखना होगा कि बहस जब 2 दिन बचे हुए हैं 50 दिन पूरे होने में, जनता को राहत कब तक मिलेगी। कैमरामैन पिकी के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नोटबंदी का आज 48वां दिन है, महज 2 दिन शेष है प्रधानमंत्री के उस वादे को, जिसमें ये कहा गया था कि नोटबंदी की जो परेशानी है वो 50 दिन में जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? 48 दिन में क्या तस्वीर बदली है? क्या तकलीफ कम हुई है? गाजियाबाद में हम मौजूद हैं, और जहां पर हम मौजूद हैं ये राजेंद्र नगर इलाका है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके परिसर में एक एटीएम है जिसका शटर डाउन है, इसके साथ में ही इंडियन ओवरसीज बैंक है जिसके परिसर में एक एटीएम है लेकिन उसका शटर डाउन है। 48 दिन में हम इन दोनों बैंकों की ब्रांच पर तीसरी बार आए हैं, लेकिन जो लोग हैं वो रोज आ रहे हैं क्योंकि रोजमर्रा की ये परेशानी है। और 48 दिन में अगर इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम की बात करें तो महज एक बार उसमें कैश आया है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए क्या तकलीफ कम हो रही है, क्या तस्वीर बदल रही है। लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। आज ठंड भी है, पारा लगातार गिरता जा रहा है, ठंड के बीच वो बैंक के बाहर आ गए हैं इस आस में कि शायद आज पैसा मिल जाए। हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें बैंक की ब्रांचों से पैसा मिल गया, लेकिन एटीएम का सूरत हाल नहीं बदला, पहले जैसी तस्वीर अभी तक नहीं हुई। क्या 50 दिन में हो पाएगी? नहीं। आपको क्या लगता है? हर बैंकों में एटीएम पे पैसे कहीं मिलते नहीं, यहाँ लाइन लगे रहे हैं हम, मुश्किल से कहेंगे 2000 ले लो, कैश नहीं है, कहीं 3000 ले लो, कहीं 5000 ले लो। एटीएम पे इतनी तकलीफ है कि हम इस 2 महीने में
किसी भी एटीएम में गए हैं, किसी भी एटीएम में अभी तक कोई पैसा नहीं मिला हमें। जब तक हम दो दो तीन तीन घंटे चार घंटे लाइन में लग चुके हैं, उसके दौरान भी पैसा हमें नहीं मिल पाया है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो अभी तस्वीर बदलती हुई नहीं दिख रही है, खासकर एटीएम्स पर। हालांकि जो बैंक के बाहर की कतारें हैं वो जरूर कम हो रही हैं। आने वाले दो दिनों में क्या ये तकलीफ पूरी तरह से कम हो पाएगी, ये दो दिन बाद ही साफ होगा, लेकिन शायद इतनी जल्दी अभी तस्वीर बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मतलब समस्या अभी जड़ से खत्म होती हुई नहीं दिख रही है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। नोटबंदी के 48वें दिन दो दिन की छुट्टी के बाद आज सोमवार को बैंक खुलने हैं और ऐसे में उम्मीद यही है कि बैंकों के बाहर लंबी कतारें कैश लेने वालों की देखी जा सकती है। इस वक्त हम गुड़गांव के आईसीआईसीआई बैंक के बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन यहां फिलहाल चंद लोग ही मौजूद हैं जो कैश लेने के लिए आए हैं। अब पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो काफी कम हो गई है भीड़, भीड़ भी छटने लगी है, कतारें छोटी होने लगी है। अब पहले लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिलती थी, लेकिन फिलहाल कुछ लोग यहां पर इंतजार कर रहे हैं बैंक खुलने का, बैंक खुले वो यहां से कैश ले सके। सर ये बताइए आप कितनी देर से यहां खड़े हैं और अब हालात कैसे हैं? अब ठीक लग रहा है, कुछ सामान्य हो रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगी। कैश मिलने में आप किसी तरह की? अभी यहां बोला 2:30 बजे में आएगा कैश, तब तो देखे हैं, और आज कुछ छुट्टी करके यहां आए कैश लेने के लिए। एटीएम से कैश मिल पा रहा है? एटीएम से सर होता ही नहीं कैश मौजूद, फिलहाल जैसे एटीएम में कैश ही मौजूद नहीं है, और अभी यहां पर बैंक में पता लग रहा है कि बैंक में भी कैश नहीं है, 2:30 बजे आएगा। ये जो थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है कि एटीएम में कैश नहीं होता, बैंक में भी कहते हैं कि कैश लेट मिलेगा, तो उससे कुछ परेशानी हो रही है? नहीं, ये मैं थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी ना बंदों को। पहले के मुकाबले राहत? पहले से बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा। अभी तो लोगों का मानना भी है कि पहले के मुकाबले हालात कुछ बेहतर हुए हैं, चूंकि दो दिन की छुट्टी थी, ऐसे में कैश की किल्लत बहुत ज्यादा रही, और क्रिसमस का त्योहार भी था, और इस ठंड में कैश की किल्लत के दौरान क्रिसमस का त्योहार भी कुछ ठंडा रहा। लेकिन अगर एटीएम की बात करें तो अभी भी एटीएम के हाल वही है, एटीएम में कैश नहीं है, जहां कहीं भी जाएं वहां यही हालात एटीएम में देखने को मिल रहे हैं, लोगों को एटीएम से खासी परेशानी हो रही है। अब उम्मीद यही है कि 50 दिन पूरे होते होते एटीएम में भी कैश की अवेलेबिलिटी बन जाएगी। कैमरामैन प्रदीप ठाकुर के साथ राजवर्मा, इंडिया न्यूज, गुड़गांव। नोटबंदी के 48 दिन पूरे हो चुके हैं और दो दिन बाकी हैं प्रधानमंत्री की डेडलाइन को लेकर। बैंक स्क्वायर चंडीगढ़ सेक्टर 17 में हम मौजूद हैं। तकरीबन 50 से ज्यादा बैंक के एटीएम और बैंक्स की ब्रांच यहां पर हैं। बैंकों के बाहर कतारें कम हो चुकी हैं, लोग डिपॉजिट करवा चुके हैं, क्योंकि जो मुराद दी गई थी, जो समय दिया गया था, वो पूरा होता नजर आ रहा है। और ऐसे में दो दिन का समय एटीएम्स, अब व्यवस्था जो जरूरी चाहिए वो चाहिए एटीएम्स में पैसे की। सर आप पैसे निकलवाने आए थे, अभी एटीएम भी लगाया था, क्या पैसा है इस एटीएम? नहीं जी। तो वो बाकी कितने एटीएम आपने इस बैंक स्क्वायर में देखे हैं? दो तीन एटीएम्स पर गए? दो तीन पे गए, लेकिन कहीं भी नहीं मिल रहा, क्या करें? तो कैसे घर खर्च वगैरह कैसे चल रहा है फिर? ऐसी सिचुएशन, वो तो वैसे कभी चेक से ड्रा कर ले तो चल जाता काम, वरना तो बुरा हाल है। छुट्टी थी और आज बैंक्स खुलेंगे, तो ऐसे में एटीएम्स पर, कितने एटीएम्स पर आप जाके आए पैसे के? 5-6 एटीएम पे जाके आए, कहीं पैसा? कहीं नहीं पैसा, किसी से मांग के गुजारा कर रहे। 50 दिन का जो समय मांगा गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, ये बैंक स्क्वायर का एसबीआई का एक एटीएम है, आपको रियलिटी चेक इंडिया न्यूज दिखाता है। और जो लोग यहां पर पैसा निकलवाने के लिए आए थे, ये दूसरा एटीएम आपको बिल्कुल साथ में है, उसके पास भी लेकर जाऊंगा। यहां पर भी लोग जो है पैसा निकलवाने में असमर्थ है, क्योंकि इस वेंडिंग मशीन में भी, इस एटीएम में भी जो है वो पैसा नहीं डला है। इसी तरह से बाकी बैंक स्क्वायर का आपको नजारा दिखाता हूं। तमाम बैंक्स जो हैं इसी गली में, ब्लॉक्स में आपको दिखाई दे देंगे, एटीएम्स आपको दिखाई दे देंगे। ना केवल बैंक स्क्वायर बल्कि सेक्टर्स का हाल इतना बुरा है कि एटीएम्स रिफिलिंग जो है वो बहुत ज्यादा, लोगों को उसकी जरूरत है कि पैसा एटीएम में पड़ता रहे, ताकि लोग जो है घर खर्च के लिए पैसा निकलवा सके। कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। देश में नोटबंदी को 48 दिन हो चुके हैं और हम पहुंचे हैं आज जम्मू में एक बार फिर से 48 दिन के बाद रियलिटी चेक के लिए। आप पीछे देखेंगे, ये जो शास्त्री नगर का इलाका है, यहां पर पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम आपको सामने दिख रहा है, कोई भीड़ नहीं है। यहां पर पैसे जो है वो है, हम उसमें भी आपको जो है वो चेक करके बताएंगे। वहीं सामने यहाँ आईसीआईसी बैंक का एटीएम है, यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं, यहाँ देखते हैं पैसे हैं क्या अंदर। कौन से नोट हैं? 100 का भी है, 2000 के भी है। 100 और 2000 के नोट हैं। ये यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, मगर हम खुद एक बार चेक कर लेते हैं अपना एटीएम यहाँ पे इस्तेमाल करके। छोटे नोट जो है वो मिलना सबसे बड़ी दिक्कत का काम है, मगर आप देखेंगे यहां पर 100 के 2 नोट जो है वो निकलकर सामने आए हैं।
2000 का नोट भी है, 100 के नोट भी है, मगर 500 का नोट नहीं है। हालांकि कल बयान जो है, जो ये आया है, जो जानकारी मिली है कि 500 के नोट की प्रिंटिंग जो है वो तेज कर दी गई है। यहां दूसरी तरफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक का एक एटीएम है, यहां जाकर अब रियलिटी चेक करने की जो है वो कोशिश करते हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पे पहले लिखा हुआ है कि 2000 के नोट जो है वो यहां पे अवेलेबल है। हम दूसरी मशीन की ओर रुख करते हैं क्योंकि वहां सिर्फ 2000 के नोट है। ये मशीन जो है वो भी कह रही है कि यहां पर 100 और 2000 के नोट जो है अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो इतने दिनों से जो 50 दिनों का वादा प्रधानमंत्री ने किया था वो लग रहा है जम्मू में, जिस तरह से बैंक के एटीएम में भीड़ नहीं है, बैंक्स में भीड़ नहीं है, कि कहीं ना कहीं अब 50 दिनों में जो राहत लोगों को मिलनी थी वो राहत अब लोगों को मिल रही है। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो देश के तमाम शहरों से आपने अलग अलग तस्वीरें देखी, मिला जुला रिस्पांस दिखा, कहीं हालात सामान्य हो रहे हैं धीरे धीरे, तो कहीं अभी भी लोग दिक्कत झेल रहे हैं। और जहन में सवाल यही है कि क्या 50